Over 4 electric scooters have caught fire in 7 days. It's terrifying now especially. But the recent reports of electric scooters catching fire in India could discourage many from adopting e-vehicles. This is the S1 Pro electric scooter that burst into flames in the city of Pune. Recently, an electric scooter made by Okinawa went up in flames in the city of Vellore. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि भैया कि अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, स्पेशली जब आप ईवीज़ को लेने जाते हैं कि यार क्या ये गाड़ी मेरे लिए सेफ़ है, क्या मुझे इसको लेना चाहिए, क्या इसको लेने के बाद मेरे साथ कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा, तो अगर ये सब चीज़ें आपके मन में आती हैं तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जितने भी ईवीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके ऊपर एक नए रूल्स और रेगुलेशंस लेके आने वाली है। इनको बोला गया है कि भैया अगर आपने इंडियन मार्केट के अंदर ये अपनी कोई ईवीज़ को लॉन्च करना चाहते हो तो भैया आपको इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं होगा। तो जानेंगे उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इस वीडियो में, बस बने रहो। इंडियन गवर्नमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहला दिमाग में नाम आता है नितिन गडकरी साहब का। जी हाँ दोस्तों, वो एक तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और सेफ्टी को लेके वो बहुत आगे तक सोचते हैं, उनके लिए सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा प्रेशर जनरेट करवाया ईवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और उनको बोला है कि भैया इन 5 चीज़ों पर आप काम कर लो, गाड़ियाँ आपको मैं कभी मना नहीं करूँगा मैन्युफैक्चर करने के लिए और लॉन्च करने के लिए। तो वो 5 चीज़ें कौन कौन सी उन्होंने बोली? पहली चीज़ उन्होंने बोली अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करो भाई। दूसरी बात उन्होंने बोली अपने बैटरी सेल्स के ऊपर काम करो। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो बैटरी के जो सेल्स गर्म हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से उस पर काम करो, ये नहीं होने चाहिए। चौथी चीज़ उन्होंने बोली बैटरी के पैकिंग के ऊपर काम करो भाई, बैटरी का जो पैक साइज है, जो पैकिंग है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सेफ एंड साउंड होनी चाहिए। पांचवी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोले कि आप अपनी बैटरी के चार्जिंग सिस्टम के ऊपर भी काम करो, क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बैटरी जब चार्ज हो रही थी गाड़ी की तो एकदम से गाड़ी में आग लग गई, तो उन्होंने बोला भैया इसके ऊपर भी काम करो। तो यहाँ पे जब नितिन गडकरी साहब ने जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोला कि उनको ये सारे चेंजेस जो हैं उनकी गाड़ियों में चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की नितिन गडकरी साहब से कि भैया प्लीज़ उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि जितने चेंजेस वो बोल रहे हैं अगर ये चेंजेस वो चाहते हैं इन गाड़ियों में तो उसकी टेस्टिंग के लिए, उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनको टाइम चाहिए। तो यहाँ पे नितिन गडकरी साहब ने उनको 31 मार्च 2023 तक का टाइम दे दिया है कि इसके बाद जो गाड़ियाँ लॉन्च होंगी वो ये सारे सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतरनी चाहिए, तभी उन गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और मुझे पूरा यहाँ पे यकीन है कि ये जब सारे सेफ्टी फीचर्स के ऊपर काम हो जाएगा तो डेफिनेटली यार ये गाड़ियाँ काफ़ी सेफ हो जाएंगी और हम सोचेंगे नहीं ज़्यादा इस गाड़ियों को लेने के लिए। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसको लाइक किया करो, इसको शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ, नॉन के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दो। मैं फिर मिलूंगा आपको नए अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।